वाइफ के लिए हस्बैंड के चेहरे की मुस्कान बहुत बड़ी मायने रखती है। अगर हस्बैंड के चेहरे पे मुस्कान रहती है ना, तो एक एनर्जी बनी रहती है वाइफ में। और अगर हस्बैंड का चेहरा मुरझाया हुआ है या फिर गुस्साया हुआ है ना, तो एनर्जी मतलब लाख कोशिश कर लो, बोझ लगता है, हर एक काम घर का बोझ लगता है। तो हंसता हुआ चेहरा जब रहता है हस्बैंड जी का, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब वो मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, मुझे होपलेस कर रहे हैं, मेरी बातों को वो जो तो अपने नाराज़गी में शामिल कर रहे हैं, तो मैं क्या बताऊँ यार, अच्छा नहीं लगता है। मुसीबत में यार कंधे पे कोई हाथ रख देना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई हाथ खींच लेना तो नहीं अच्छा लगता। मुसीबत में साथ दो यार, साथ दो, साथ दो, भागो नहीं। ये मुसीबत भी मेरे पास से हट जाएगी, ये थोड़े दिन की बात है, मुसीबतें थोड़े समय रहती है फिर चली जाती है। लाइफ नहीं बिगड़ी है, कॉपीराइट ही ना है, वो भी फेक है ना, छोड़ जान दो, कर लो बंदा जितना जिसको करना है कर लो कॉपीराइट। हो सके तो मेरी वीडियो उठा के अपना वीडियो बना लेना, क्या कहेंगे। और 3 दिनों से कंटिन्यू मैंने 3 वीडियो डाला और तीनों वीडियो पे कॉपीराइट है और तीनों वीडियो पे फेक कॉपीराइट है। क्योंकि मैं जब भी क्रोमा खोल रही हूँ तो क्रोमा में मुझे यूट्यूब क्या कह रहा है कि आपकी वर्किंग बड़ी अच्छी है, आपकी मेहनत बड़ी अच्छी है और नो इशू कॉपीराइट। तो ये फेक कॉपीराइट है कौन, बंदा बीच में कौन है जो टांग अड़ा रहा है मेरी वीडियो में, पसंद है तो देखो, नहीं है तो मत देखो। इसमें कॉपीराइट का टांग कैसे अड़ा दिया भैया। अगर मुझे कॉपीराइट वाला ही करना होता काम, तो मैं दूसरे की वीडियो उठा के ना डाल लेती अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे, दूसरे की ऑडियो उठा के डाल लेती मैं अपने चैनल पे। अपने मुँह से गाती हूँ, अपनी क्षमता से गाती हूँ, अपनी मेहनत से गाती हूँ, और वो भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है किसी को। क्या बात है, क्या जमाना आ गया है, मतलब कुछ कहना ही नहीं बन पा रहा है। सारी उम्र में जोकर में बड़े आ रहा हुँ? क्या पता, अरे वो कौन सा गाना है जो हाँ, सारी उम्र में जोकर में बने आ रहा, मतलब हम जोकर हैं, क्या कहा जाए, बेकार है कुछ कहना यार। मैं तो ऐसे ही रहूँगी, मैं तो वीडियो डालूँगी डालूँगी डालूँगी, जिसको देखना है देखिए, जिसको नहीं देखना है मत देखिए, नहीं पसंद आता है छोड़ के चले जाइए। मेरे हस्बैंड भी मुझसे नाराज़ है, कह रहे हैं कि तुम बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं देख रही हो, तुम सिर्फ वीडियो में अपने गुम हो गई हो, तुमको अपना कॉपीराइट दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है, ब्लॉगिंग दिख रहा है, बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। अरे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती सब कुछ करती हूँ, तो क्या मैं अपना वीडियो भी नहीं बना सकती। मुझे वो भी होपलेस कर रहे हैं। जब मुसीबतें आती हैं ना तो चारों ओर से आती हैं, ये तो मैं जान चुकी हूँ। शादी के बाद जब मैं देवरिया से पुणे आना था मुझे, तब भी मेरे पे चारों ओर से मुसीबतें आई थी। और अभी अगर एक कॉपीराइट आ गया है मेरे वीडियो पे, मैं तो नहीं घबरा रही हूँ, मैं तो उसका समाधान निकाल लूँगी, 2-3 दिन में निकाल लूँगी। नहीं निकला 2-3 दिन में तो और थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन मुसीबतें आती तो चारों ओर से। अब जब कॉपीराइट आ गया है तो मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज चलते जब वो एक बात और है। हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। मैं आ गई हूँ मोही और वीरू को लेकर पार्क में, और दोनों बच्चे खेल रहे हैं बैडमिंटन। शाम की आरती हो गई, खाना हो गया, सब कुछ हो गया, अब सिर्फ सोना है। सोने से पहले खेलना है बम्पर, तो दोनों बच्चे खेल लेंगे, उसके बाद से मैं खेलूँगी। बप्पा का फेस्टिवल चल रहा है और दिन रात बप्पा के गाने चलते रहते हैं चारों ओर, दिमाग में भी दिल में भी। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ तो रास्ते में भी जितना पंडाल सजा रहता है बप्पा का, दर्शन करते हुए निकल जाओ अच्छा लगता है। रास्ता कट जाता है पता नहीं चलता है, रास्ते में एक रेस कोर्स भी पड़ता है जहाँ पे घुड़दौड़ होती है। देखूंगी अगर मौका पड़ा, सब कुछ सही रहा तो वो भी दिखाऊंगी लाइव में। एक पत्नी अपना घर संभालती है, बच्चों को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना स्कूल पहुँचाना ले आना ले जाना जो भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ। उसके बाद
हस्बैंड की ड्यूटी खाना पीना सब कुछ, फिर घर की जिम्मेदारी चूल्हा चौका बर्तन, उसके बावजूद भी अगर किसी तरह से फुर्सत निकल जाती है वीडियो बनाने की या फिर अपनी मेमोरीज़ को स्वीट मेमोरीज़ में बदलने की, तो उसमें गलती कहाँ है? क्या हम अपने मेमोरीज़ को फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं कर सकते? हमें नहीं अधिकार है? मेरे अंदर भी इच्छा रहती है कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ को सिक्योर करूँ ताकि मैं बुढ़ापे में बैठ के देख सकूँ अपना बीता हुआ। मेरा भी मन करता है कि मैं अपना सारा वीडियोस एक बार एक नज़र देखूं। देखने को कैसे मिलेगा? या तो फ़ोन की गैलरी भरे, कितना भरेंगे, कितने जीबी भरेंगे, भर भर के रखा हुआ है झोले में, क्या वो दो क्या बोलते हैं उसको डिस्क नहीं मेमोरी कार्ड, दो मेमोरी कार्ड रखा हुआ है 32 GB 64 GB का, लेकिन उस मेमोरी कार्ड को अब लगाए कहाँ? मन नहीं करता है लगाने को, कौन जाए लगाने? और जितना भी है स्वीट मेमोरीज अगर मैं अपना रखती हूँ यूट्यूब पे, मुझे अच्छा फील होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन लगता है, इसलिए मैं डालती हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है इस मामले में, और ना ही कोई मुझे इसमें सलाह दे कि मैं अच्छा कर रही हूँ कि बुरा कर रही हूँ। ये मेरी फैमिली है, मेरा मैटर है, जब तक मन करेगा तब तक डालूँगी। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मन होपलेस हो जाता है कि मेरी मेहनत है, मेरी ऑडियो है, मेरी वीडियो है, और इस पर कोई फेक कॉपीराइट अगर करे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपकी मेहनत हो और आपकी ऑडियो आपकी वीडियो हो और आप पे फेक कोई कॉपीराइट करता, आपको कैसा लगेगा? हाँ, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, डेली ब्लॉगिंग में मेहनत लगती है, आप अगर करके देखेंगे ना तो पता चलेगा। तो मैं और मोही झूला झूल रहे हैं, बीरू झूला रही है मजे से। ये बीरू है आसमान में, ये मुही कोशिश कर रहा है पेंग मारने का। अच्छा टेक्निक है तुम लोग का पेंग मारने का। एक चढ़ गई आसमान में यहाँ सीट के ऊपर और दूसरा यहाँ चढ़ गया है। सही है, तेज हो रहा है तो ज्यादा ऊपर मत जाओ, उलट जाओगे। नीचे उतरो, उतर जा बाबू, उतर जा, उतर जा, मार बच्चा, उतर जा।